जी बिल्कुल होता है ऐसा। T20 इसमें बड़े छोटे नाम या बड़ी छोटी टीम्स नहीं होती, वो जिस उसी दिन जो बेहतर परफॉर्म करेगा, जो अच्छा खेलेगा वही टीम जीती है। हमने काफ़ी कोशिश की है बट वो बेहतर खेले, अच्छा खेले तो मैच उनकी तरफ चला गया। जी बिल्कुल, ये एक तरह से हमारे लिए तैयारी भी है सबके लिए। तो सब प्लेयर्स यही कोशिश करते हैं कि जो आगे इंटरनेशनल में जो रिक्वायरमेंट्स है, हम उसी रिक्वायरमेंट को देख के यहाँ पे ये टूर्नामेंट और ये मैचेस उसी हिसाब से खेलें और बेहतर अपनी परफॉर्मेंसेस बेहतर करने की कोशिश करें ताकि वो आगे हमें हेल्प आउट कर सकें। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि छोटी बड़ी टीमें कोई ख़ासकर T20 में मैटर नहीं करती, जो टीम उसी दिन अच्छा खेलेगी वही जो है ना वो आगे निकलेगी। इसी तरह हमारे पूल में जैसे इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, इन टीमों का हम हरा चुके हैं T20 में। सो इंशाल्लाह हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और तैयारी भी अच्छी जा रही है, इनको हम हरा भी चुके हैं, इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। आपने क्या टारगेट सेट किया जिस तरह वर्ल्ड कप की बात हो रही है, आपने एम तो इशू किया सरप्राइज करते हैं, बट इंडिविजुअल गोल्स क्या है वर्ल्ड कप के हवाले? जाहिर है मैं ओपनर हूँ, सो ओपनर का काम यही होता है कि वो पावर प्ले को अच्छा यूज़ करे। सो मेरे टारगेट यही है कि मैं यहाँ से अपने आप को सेट करूँ, एडजस्ट करूँ, जिस तरह वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि पावर प्ले को किस तरह यूज़ करना है। सो इंशाल्लाह मैं उसी चीज़ को फोकस कर रही हूँ और उसी चीज़ को इम्प्रूव करूँगी।